वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडा रोड बिलासपुर छत्तीसगढ़। स्टूडेंट, वी आर बैक टू आर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्लास। होप यू ऑल आर वेल एंड फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग रूल एंड मेंटेनिंग द हाइजीन। Hope you are learning every day something new, because this learning will improve your knowledge. Student, in my previous video we were discussing about our chapter 8, worms and insects. So I have already given you the introduction, and we have discussed about the insects body features, hai na, and today we will discuss our next point, honeybee. What is the first thing you think of when you see a bee? Oh, it is going to sting me, but all bees do not sting, है ना? It means जब आप हनी बी के बारे में आप सोचते हैं तो पहले ख्याल क्या आता है कि वो हमें sting करेगा, है ना? But जो सारे जो bees होते हैं वो sting नहीं करते हैं। Honey bees are social insects. They make hive in which they collect nectar to make honey. There मे बी थाउजेंड्स ऑफ बीज इन अ हाइव। जो हनी बीज है वो एक सोशल इंसेक्ट्स है, मतलब वो सोशल होना मतलब लोगों के साथ लेना, है ना, बहुत सारे। तो वैसे ही जो जो हनी बीज है वो अपने ही तरह के बीज के साथ रहते हैं। और कैसे रहते हैं? और वहाँ पे वो एक हाइव बनाते हैं। हाइव मतलब आपका छत्ता जो होता है ना उनका, आपका आपने देखा है, लेट मी शो यू। ये इस तरीके से वो हाइव बनाते हैं और वहाँ पर सारे हनी बीज वहाँ पे रहते हैं। और क्या करते हैं? वो कलेक्ट करते हैं नेक्टर को, नेक्टर मतलब आपका फूले का रस को कलेक्ट करते हैं। और वो थाउजेंड्स ऑफ बीज मतलब बहुत सारे उसमें हनी बीज एक साथ रहते हैं। लेट मी शो यू प्रॉपर पिक्चर। लाइक हनी बीज आर वन ऑफ द इंसेक्ट्स विच आर वेरी यूजफुल टू अस। दे गिव अस हनी एंड वैक्स। दे बिल्ड देयर हाइव्स ऑन ट्री एंड रूफ ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, है ना। मोस्टली हनी बीज क्या करते हैं, वो ओल्ड बिल्डिंग्स में आया टॉप ऑफ द ट्री मतलब बहुत ऊपर जाके वहाँ पर अपनी वो हाइव्स बनाते हैं, है ना। और नेक्टर को ये जैसे फूलों से, ये नेक्टर जो फूलों से नेक्टर कलेक्ट करके वहाँ पर सब, फिर वो बाद में ही वही नेक्टर शहद हनी बनता है। ओके, हनी बीज आर यूजली अट्रैक्टेड टू स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। सच फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड कॉल नेक्टर, है ना। जो जो हनी बीज होती हैं वो ऐसे जो स्वीट स्मेल वाले फ्लावर्स हैं उनसे अट्रैक्ट होती हैं, और यही जो स्वीट स्मेल वाले फ्लावर्स हैं वो एक लिक्विड बनाते हैं, एक मतलब पानी जैसा लिक्विड जैसा एक चीज़ बनाते हैं जिसको बोलते हैं नेक्टर, है ना, उसी को बोलते हैं। जो फूलों का रस बोलते हैं ना वही नेक्टर कहलाता है। बी लिव्स इन अ कॉलोनी। देर इज़ अ वन क्वीन बी, है ना, क्वीन बी होती है मतलब जो कॉलोनी में रहती है उसमें एक क्वीन बी होती है, बाकी वर्कर्स होते हैं और कुछ मेल बीज होते हैं जिसको ड्रोन बोलते हैं। तो हनी बीज सक नेक्टर फ्रॉम द फार्मर्स एंड कैरी इन टू द हाइव्स वेयर दे लिव, है ना। जो वर्कर्स बीज होते हैं, बीज होती हैं, वो नेक्टर लेके आते हैं, सक करके चूज के आते हैं, फिर यहाँ पर आके वो हनी हाइव में आके वो कलेक्ट करते हैं, रखते हैं। बी हाइव कंसिस्ट ऑफ मैनी सिक्स साइडेड चैम्बर्स कॉल्ड कॉम। हनी बीज स्टोर द नेक्टर इन द कॉम। दे नेक्टर चेंज इन टू हनी। तो ये जो क्या होती है, जो सिक्स फेजेस होते हैं मतलब यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, ऑफ टॉप बैक साइड, है ना। तो सिक्स फेजेस होते हैं और ये जो कॉम्ब है इसमें जाके वो हनी रखते हैं और यही बाद में जाके हनी में कन्वर्ट होता है। ओके, let's see one more time. Bees live in colonies. आपको बताया मेरे कि वो कॉलोनीज में रहते हैं, है ना। लाइक जैसे आप लोग कॉलोनीज में रहते हैं वैसे बीज उसने हनी हाइव में वो पूरी कॉलोनीज बनाते हैं। देयर इज़ ओनली वन क्वीन बी, है ना, उनमें एक क्वीन बी होती है मतलब एक रानी बी होती है इन अ कॉलोनी। शी ले एग्स और वही जो है अंडे देती है। द रेस्ट ऑफ द बीज इन द कॉलोनी आर वर्कर बीज, और बाकी जो होते हैं वो वर्कर बीज होते हैं जो कि नेक्टर कलेक्ट करते हैं ना। दे कलेक्ट फूड एंड डिफेंड द कॉलोनी, और जो कि नेक्टर कलेक्ट करते हैं और वो जो डिफेंड कॉलोनी को बचाते हैं। तो जितना भी आपने कभी अगर जैसे आप स्कूल आते हैं तो स्कूल में भी एक आपको बी हाइव दिखता है कई बार, तो उसमें सिर्फ एक ही जो होती है वो क्वीन बी होती है जो कि ले एग्स मतलब अंडे देती है, बाकी जो है वर्कर्स बीज होते हैं जो कि
नेक्टर कलेक्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई मतलब जो मक्खी होती है ना, मक्खी तो इजीली आपको कहीं भी दिखती है और घर पे स्कूल कहीं भी आपको दिखती है. हाउस फ्लाई फीड ऑन ह्यूमन एंड एनिमल फूड एंड वेस्ट. क्या खाते हैं? फीड ऑन किसे खाते हैं? वो ह्यूमन और एनिमल फूड और वेस्ट जो भी मटेरियल है. दे पिकअप जर्म्स ऑन देयर हेयरी लेग्स एंड दे सिट ऑन द डर्ट एंड गार्बेज. दे देन दे सिट ऑन द फूड. इफ़ वी ईट दिस फूड वी मे फॉल सिक. जो हाउस फ्लाइज होती है आपको पता है कि हमें उनसे बच के रहना चाहिए, इसलिए घर को नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, क्योंकि वो ह्यूमन और एनिमल फूड दोनों खाते हैं और वेस्ट मटेरियल इन सब में वो बैठ के वहाँ से जर्म्स होते हैं उनके लेग्स में वो कलेक्ट हो जाते हैं, फिर वही वैसे ही वो आके हमारे खानों पे बैठते हैं, खाने जो फूड्स हैं, और वही खाना अगर हम खा लेते हैं तो इससे हम बीमार पड़ सकते हैं, है ना. तो इसलिए बोलते हैं कि फूड को कवर करके रखना चाहिए, आसपास साफ सफाई होनी चाहिए ताकि ये जो फ्लाइज़ है हाउस फ्लाई वो डेवलप ना हो, क्योंकि ये जर्म्स लेके इधर जर्म्स स्प्रेड करती है. ओके, हमें इनसे बच के रहना चाहिए. ओपन द नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज नंबर 45. विथ मैनी अदर एंट्स, है ना, अभी नेक्स्ट देखेंगे एंट्स, है ना. एंट्स आर सोशल, इसमें हमने देखा था एंट्स आर सोशल इंसेक्ट्स. दे लिव विथ मैनी अदर एंट्स. जो एंट्स भी है वो भी सोशल होती हैं, वो अकेले नहीं रहती. जब हम बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? सोशल. जैसे हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सोशलिस्ट, है ना, समाज के साथ रहते हैं, दिस कॉल्ड सोशल. तो एंट्स आर ऑल्सो सोशल इंसेक्ट्स. दे लिव विथ मैनी अदर एंट्स. वो क्या करते हैं? और अदर एंट्स के साथ रहते हैं. ये एंट्स आप देख रहे हैं ना, आपने मार्च करते हुए, एक लाइन में मार्च करते हुए एंट्स को देखा ही आपके घरों पे. अगर कोई खाने की चीज़ आप छोड़ दीजिए तो अचानक से वो उनके स्मेल करने के सेंसेस होते हैं बहुत शार्प होते हैं, इमिजिएटली वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं पूरे अपनी ग्रुप के साथ. दे लिव विथ मैनी अदर एंट्स. दे हैव विंग्स वेन दे आर बॉर्न बट शेड देम एज दे ग्रो, है ना. लेकिन उनके ऊपर क्या विंग्स होते हैं जब वो पैदा होते हैं, लेकिन जो बाद में वो है ना, तो वो जो पहले जो जब वो बर्न होता है, उसका बर्थ होता है, तब उनके वो विंग्स होते हैं, लेकिन जब से वो ग्रो होते हैं तब वो अपने वो जो विंग्स हैं उसको वो गिरा देते हैं ना. तो मोस्ट एंट्स ईट एवरीथिंग, सम इवन ईट मीट, अदर सच एज द ब्लैक एंट ईट ओनली फ्रूट्स एंड ग्रास. मोस्ट ऑफ द एंट्स है, जैसे रेड एंट्स है ना, ये सारी चीज़ें स्मॉल स्मॉल वो सब कुछ खाते हैं, फ्लैश मीट, नॉर्मल फूड, फ्रूट्स ही सब खाते हैं, लेकिन जो ब्लैक एंट होती है वो सिर्फ फ्रूट्स और ग्रास खाती है. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंट है ना, ये हाउस फ्लाई, ये है हनी बी जो नेक्टर कलेक्ट कर रहे हैं वर्कर भी. ये दिस इज द मॉस्किटो, लेट्स सी द मॉस्किटो. मॉस्किटोज bite pupil and suck their blood. They breathe in standing water, है ना. Do not let water stand in the around your house. जो mosquitoes होते हैं वो क्या होते हैं कि ये लोगों का ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये sting कर रहे हैं और ये स्टिंग कर रहे हैं ना, इसे डंक मार अपने काटा वो अपने उनका जो स्टिंग होता है उसको वो डाल के सबको भी फिर हमको चुभता है, ये स्टिंग होता है ना. तो वो उसको सक करते हैं, क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं. ये बहुत सारे बैक्टीरिया जैसे मलेरिया, ये सारी चीज़ें ये मॉस्किटो से ही होती हैं. और हमें क्या, ये क्या करते हैं, जहाँ पे भी पानी कलेक्ट हो जाता है वहाँ पे रुक जाता है ना, स्टैंड हो जाता है और वो मूव नहीं होता. तो एक जगह पानी अगर इकट्ठा हो जाता है तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है और फिर उसमें ये मच्छर जो है उसमें डेवलप होते हैं, ब्रीडिंग होती है उनकी. तो डू नॉट लेट वाटर स्टैंड इन एंड अराउंड योर हाउस. इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना हो. अगर कहीं भी पानी इकट्ठा होता है, जैसे बारिश का पानी है या कहीं ड्रेनेज का पानी है, तो वहाँ पर ये मॉस्किटोज़ होते हैं जो कि हमें स्टिंग करके वो ब्लड सक करेंगे और हमें ही नुकसान पहुँचाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. रीड बुक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. वट एवर वी हैव डिस्कस्ड एंड वट एवर पॉइंट्स आर लेफ्ट वी विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय. वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो.